हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं प्रेगनेंसी जो महिला होती हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको कुछ सिम्टम्स की जानकारी देंगे, जो कि आप इनको मैच कर सकते हैं, आप पर ये कितना सही साबित होते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करूँगी इस वीडियो में, तो मुझ पर ये लक्षण कितना सही साबित हुआ था वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको किस तरीके से इसको टेस्ट करके देखना है। दोस्तों, ये घरेलू नुस्खा है जो कि हमारी दादी नानी अक्सर हमें बताया करती हैं, इसको आपको कैसे देखना है। और ये आजमाया हुआ लक्षण है जिसको सही साबित होता है और काफ़ी प्रचलित भी है ये लक्षण। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर साइड में बेल आइकन बटन को प्रेस करें मेरी आने वाली सभी ऐसी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। और दोस्तों, हमारा बेटा बेटी में कोई भेदभाव करना नहीं है, ना ही ऐसी चीज़ों को हम बढ़ावा देते हैं। हमारे लिए बेटा और बेटी दोनों ही एक समान हैं। माँ बाप के लिए दोनों ही संतान बराबर हो रही हैं, या वो बेटा हो या वो बेटी हो। हमारा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपनी जिज्ञासा और उत्सुकता को थोड़ा कम कर सकें, बाकी आप 100% श्योर बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ये कभी कभी गलत भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं, आपको हम एक लक्षण की जानकारी देंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से नींबू से आप कैसे पता कर सकते हैं आपकी आने वाली संतान क्या है। यहाँ पर हम दो चीज़ों से आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पहले लक्षण के बारे में। अगर आपकी जो नाभि लाइन है वो सीधी जा रही है स्ट्रेट में, नीचे से और ऊपर तक बराबर जा रही है, और ब्लैकनेस उस पर हो गई है, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है, हमारी दादी नानी अक्सर बताती हैं इस लक्षण के बारे में, कि ऐसी स्थिति में आपने एक बेटे को कंसीव किया हुआ है। इसके अपोजिट अगर ये चीज़ नहीं है, नीचे से सीधी है और ऊपर से टेढ़ी जा रही है, तो दोस्तों ऊपर से अगर टेढ़ी जाती तो तिरछी जाती है, तो ये लड़के होने का संकेत माना जाता है। ये तो हो गई लक्षण की बात। दोस्तों, अब बात करते हैं नींबू से आप कैसे पता कर सकते हैं। आपको एक नींबू ले लेना है और आधा उसको स्लाइस में काट लेना है, उस पर डालनी है आपको चीनी यानी कि शुगर। उसको डालने के बाद आपको अपनी जीभ से टेस्ट करना है, और टेस्ट अगर आपको नींबू का बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी खट्टापन नहीं लग रहा है, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आपकी आने वाली जो संतान है वो एक लड़का होगा। अगर आपको उसका टेस्ट आ रहा है अच्छे तरीके से, तो दोस्तों ये लड़की होने का संकेत माना जाता है। जो शुगर है अगर उसको आप चाट रहे हैं जीभ से और आपको नींबू का टेस्ट नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, ना शुगर का आ रहा है, तो दोस्तों ऐसा माना जाता है ये लड़का होने का ही लक्षण होता है। अब बात करते हैं दोस्तों एक और लक्षण की। अगर आपके हाथ पैरों के नाखून पीले पड़ गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, तो ये लड़का होने का लक्षण माना जाता है। तीसरे मंथ से ये देखा जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर करें, और ये कितना सही साबित आप पर हुए थे ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और मेरे ऊपर ये नींबू वाला और जो पहला लक्षण मैंने आपको बताया ये बिल्कुल 100% सही साबित हुआ था, इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।